अगला क्वेश्चन है कि रेल 3 घंटे के लिए 50 किलोमीटर की औसत चाल से यात्रा करती है और उसके पश्चात 2 घंटे के लिए 75 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती है। संपूर्ण 5 घंटों में रेल कितनी दूरी की यात्रा करेगी? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और फिर से देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही आया। इससे पहले भी आपसे क्या पूछा गया था कि तैराक कितनी दूरी तय करेगा, तो वो भी टाइम डिस्टेंस स्पीड का ही क्वेश्चन था। तो अब यहाँ पर पूछा गया है दूरी, तो दूरी कैसे निकालते हैं? चाल गुणा समय से। तो पहले इसमें दो केस दिए हैं, उन दोनों केसों की हम बात कर लेते हैं कि एक रेल जो है ट्रेन, एक ट्रेन जो है वो क्या करती है। पहले केस में समय कितना दिया है, तो आपको दिया है 3 घंटे। 3 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, तो किलोमीटर में दूरी दी है कितनी, तो आप कहेंगे 50 किलोमीटर। यानी कि पहले 3 घंटे में वो 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, नहीं 50 किलोमीटर की औसत चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से। यानी कि पहले 3 घंटे वो किस चाल से जा रही है ट्रेन, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जा रही है, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, तो दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में आपको दिया है कि उसके पश्चात 2 घंटे के लिए, यानी कि घंटे कितने दिए हैं, 2, और किस चाल से जाती है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाती है। तो संपूर्ण 5 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी, तब आपको पता है कि दूरी क्या होती है। आप जानते हैं दूरी क्या होती है, तो आप कहेंगे सर चाल गुणा समय, यानी कि चाल और समय का गुणनफल क्या कहलाता है, दूरी कहलाता है। तो पहले केस में उसने कितनी दूरी तय की, तो इसको हम D1 नाम दे देते हैं। दूरी कितनी आएगी, तो पहले केस में उसका समय 3 घंटे था और चाल कितनी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे थी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो 5 थी 15, यानी कि 150 किलोमीटर की दूरी उसने तय की ट्रेन ने। सेकंड केस में उसने कितनी दूरी तय की, तो उसको हमने D2 दूरी मान ली, तो उसका समय कितना था, समय 2 घंटे था, चाल कितनी थी, 75 किलोमीटर प्रति घंटे थी, तो भाई इन दोनों का गुणा होगा, तो 75 दूनी 150 किलोमीटर, तो कुल कितनी दूरी तय की उसने 5 घंटे में। तो 5 घंटे में टोटल डिस्टेंस आपको बतानी है, टोटल डिस्टेंस यानी कि दूरी आपको बतानी है, कितनी दूरी उसने तय की, दूरी उसने तय की, तो कुल दूरी आपको 5 घंटे में बतानी है। तो पहले 3 घंटे में वो 150 किलोमीटर जाती है, यानी कि D1 प्लस क्या कर देंगे, D2, और अगले 2 घंटे में भी 150 किलोमीटर जाती है, तो कितना हो गया 150 150, तो आप कहेंगे सर 300 किलोमीटर। यानी कि टोटल 5 घंटे में ट्रेन ने 300 किलोमीटर की दूरी तय की। किस ऑप्शन में दिया है आप 300 किलोमीटर, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आयो बात आप तक पहुंच गई कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, समान दिशा में जा रहे 2 स्कूटरों को एक रेल पार करती है। यदि 30 सेकंड में रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटे और 45 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, तो रेल की लंबाई आपको बतानी है। अब रेल की लंबाई बतानी है और इस क्वेश्चन को आपको समझना है। इन्होंने बोला कि समान दिशा में जा रहे 2 स्कूटरों को एक रेल पार करती है, मतलब एक स्कूटर को पार करती है पहले और फिर दूसरे स्कूटर को पार करती है। इन्होंने बोला यदि 30 सेकंड में रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 45 सेकंड में रेल 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है, यानी कि 45 सेकंड में उसकी जो चाल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और जबकि 30 सेकंड में उसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको बतानी है रेल की लंबाई क्या है, रेल की लंबाई क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है। आप इस चीज़ को समझिए कि अगर वो 2 स्कूटरों को पार कर रही है, तो स्कूटरों की लंबाई भी हम ट्रेन की तुलना में क्या मानेंगे, नगण्य मानेंगे। यानी कि दोनों ही स्थिति में ट्रेन ने कितनी समान दूरी तय की होगी, जब वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 30 सेकंड तक चली होगी तो उसने जो दूरी तय की होगी और फिर उसके बाद 45 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो यात्रा की होगी उसमें जो दूरी उसने तय की होगी वो दोनों दूरी बराबर होनी चाहिए। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, इस क्वेश्चन को देख के तो लगता ही नहीं है, इस क्वेश्चन को देख के तो लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर 60 और 90 का कुछ रोल समझ में आ रहा है क्या? तो ये क्वेश्चन क्या है आपका, इनकम्प्लीट है। ये क्वेश्चन क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से जाएंगे कि 2 स्कूटरों को पार कर रही है
30 सेकंड में रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। तो चलिए हमें समझा देते हैं आपको इस चीज़ को कि इनकम्प्लीट क्यों है। देखिए ट्रेन की चाल दी है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी चाल हो गई। और समय की कितना ले रही है 30 सेकंड, तो चाल गुणा समय करते हैं तो दूरी निकल आएगी कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर लिखा है यदि 30 सेकंड में रेल 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 सेकंड में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है तो रेल की लंबाई, तो रेल की लंबाई निकालने के लिए कोई डेटा हमारे पास बन ही नहीं रहा है। दो स्कूटरों को पार कर रही है, यात्रा उसने की 30 में और 60 में, तो ऐसा कोई डेटा यहाँ बन ही नहीं रहा है। तो हम फिर भी आपको बता देते हैं कि आप 6 से इसको 3 बार काटेंगे, 6 से ये 10 बार कटेगा, 3 से ये 10 बार कटेगा, 10 100 और ये 500 हो जाएगा। यानी कि उसने 500 मीटर की दूरी तय की पहले केस में, ठीक है। अब हम दूसरे केस की बात करते हैं, तो दूसरे केस में अगर हम बात करें तो वो कितना 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। अब 90 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो यानी कि छोटे से यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समय कितना ले रही है वो 45 सेकंड का समय ले रही है। तो अगर हम देखें कि 18 पंचे कितना होता है तो आप कहेंगे 90 और पचम कितना होता है 25, 25 इंटू क्या करेंगे आप 45 करेंगे, तो 25 पंजे 125 की 5 हासिल में कितना आएगा 12, 25 2400 और 12 112 हो जाएगा। यानी कि दूसरे केस में उसने कितनी 1125 मीटर की दूरी तय की। अब पहले केस में उसने कितनी दूरी तय की 500 मीटर। तो यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं हो रही है क्वेश्चन में कि समान दिशा में जा रहे दो स्कूटरों को एक रेल पार करती है। तो यहाँ पर तो ये बात कन्फर्म है फिर कि स्कूटरों की कुछ ना कुछ चाल होगी। अब वो चाल नहीं दी है, समान दिशा में दो स्कूटर जा रहे हैं तो हो सकता है दोनों की चालें समान हो, ये यहाँ पर नहीं दिया है। तो ट्रेन तो अगर स्कूटर को पार करेगी तो यहाँ जितनी दूरी तय करेगी वहाँ इतनी भी दूरी यहाँ भी तय करेगी, यहाँ भी उतनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब यहाँ कोई सापेक्षिक गति का कॉन्सेप्ट लगना चाहिए था या फिर ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन क्या है आपका इनकम्प्लीट है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है हम नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट पेपर जब करेंगे उसमें इसका सॉल्यूशन देखेंगे, क्योंकि प्रथम दृष्टया यानी कि अभी तो ये कैसा लग रहा है कि गलत कह रहा है 100% ये गलत है, इसका डेटा या फिर कुछ लैंग्वेज में क्या है इसमें मिसप्रिंट है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या भाई। अगला क्वेश्चन है कि 3A और 15AB का लघुत्तम समापवर्त है, यानी कि आपको 3A और 15AB का LCM बताना है क्या है। तो देखिए आपको पता होगा कि LCM कैसे निकालते हैं, हमने LCM और SCF का एक चैप्टर पूरा कंप्लीट किया है, उसमें आपको LCM SCF के बारे में बताया कि LCM SCF होता क्या है, क्यों इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, मल्टीपल क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है, लीस्ट का मतलब क्या होता है। साथ में हमने SCF के बारे में जाना और उसमें F मतलब फैक्टर क्या होता है, कॉमन का मतलब क्या होता है और हाईएस्ट फैक्टर का मतलब क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना है LCM और SCF में। साथ ही हमने LCM और SCF निकालने की जो विधियाँ होती हैं उसमें दो विधियों का डिस्कशन किया है, आवाज गुणनखंड विधि और भाग विधि, उन दोनों से आप कैसे LCM और SCF निकाल सकते हैं उसके बारे में जाना। साथ ही हमने LCM SCF में क्या जाना था कि कैसे दो संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और SCF के गुणनफल के बराबर होते हैं। साथ में हमने वेरियस टाइप के क्वेश्चन भी LCM SCF के किए थे, तो वहाँ जाके आप LCM SCF समझ सकते हैं। अभी हम सिंपल बात करें कि LCM अगर आपको दो नंबरों का निकालना है तो LCM क्या होता है, जो संख्याएं कॉमन होती हैं वो कॉमन संख्याएं आप ले लीजिए और उसके अलावा जो कॉमन नहीं है वो सब उसमें LCM में शामिल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो संख्याएं दी हैं यानी कि आपको 3A तथा 15B, आपको 3A तथा 15AB यानी कि 15AB का लघुत्तम समापवर्तक का LCM बताना है कितना होगा, का LCM आपको बताना है कि कितना होगा। तो देखिए 3A को तो आप नहीं तोड़ सकते, ये तो 3A ही रहेगा, लेकिन 15AB को आप तोड़ सकते हैं 3×5×AB के फॉर्म में, ये रहेगा आपका। अब देखिए जब LCM लेते हैं तो LCM में जो कॉमन टर्म होता है वो आ जाता है, तो 3 इस दोनों में कॉमन है वो आ गया, A इसमें वो आ गया, और जो कॉमन टर्म नहीं होता है वो सब आ जाता है, यानी कि 5B आ जाएगा और यहाँ से आपका B आ जाएगा, तो ये कितना होगा 5×3 15 और AB, यानी कि 3AB और 15AB का LCM क्या निकल कर आएगा, 15AB निकल कर आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया है आपको, तो ऑप्शन बी में दिया है, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आई होप बात आपको क्लियर हो गई कि ऑप्शन बी किस तरीके से हमारा आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ
और देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक रेखा जो कि 10 सेंटीमीटर लंबी है 3:5 के अनुपात में विभाजित है, तब दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई होगी। तो देखिए इन्होंने बोला कि एक रेखा है, चलिए एक क्या है, रेखा है जो कितनी लंबी है, 10 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी लंबाई कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, और ये 3:5 यानी कि अगर हम यहाँ से इसको तोड़ें तो ये 3:5 के अनुपात में विभाजित है, यहाँ पे ये 3:5 के अनुपात में विभाजित है। तो इन्होंने बोला तब दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई बतानी है, दोनों परिणामी मतलब जो भाग में टूट गई, तो ये पूरी रेखा थी आपकी ए और बी और ये यहाँ से सी से टूटी है, यानी कि आपको ए सी बताना है कितना है और साथ में आपको बी सी बताना है कि कितना है, ए सी और बी सी की लंबाई आपको बतानी है। तो जब एक पूरी रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर के बराबर है और वो 3:8 के अनुपात में टूट रही है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी कितना है, 3 है, और बी सी कितना है, तो आप कहेंगे 5 है। तो आप कहेंगे कि ए सी प्लस बी सी मिलकर तो कितना बनेगा, तो आप कहेंगे सर ए सी प्लस बी सी जो मिलकर बनेगा वो 10 के बराबर होगा। तो आपका कहना क्या है कि ए सी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी रेखा की लंबाई 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक, यहाँ पर बात क्लियर हो गई कि कैसे ए सी और बी सी की लंबाई किसके बराबर होगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि पूरी लंबाई जो रेखा थी वो कितनी लंबी थी, 10 सेंटीमीटर लंबी थी। अब वो 10 सेंटीमीटर की रेखा को आप क्या कर रहे हैं, 3:5 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं। तो हमने 3:5 के अनुपात में विभाजित माना, तो हमने बोला कि ये ए बी रेखा थी या सी पर ये ब्रेक हो गई, तो ए सी की लंबाई 3 है और बी सी की 5 है, तो हम कह सकते हैं अगर ए सी 3 है और बी सी 5 है तो ए सी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो ए सी और बी सी 10 सेंटीमीटर के अगर बराबर हो गया, तो आप समझिए ए सी की वैल्यू कितनी, 3, बी सी की वैल्यू कितनी, 5, बराबर में कितना, 10। तो टोटल 8 यूनिट की वैल्यू किसकी बराबर, 10 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 10/8 के बराबर। तो 4 बार काट दीजिए और 2 से 5 बार काट दीजिए, कितना हो गया, तो 5/4 हो गया, 5/4 हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा और डिवाइड कर लीजिए, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1.25 आ जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, 1.25 सेंटीमीटर। अब आप देखिए आपको दोनों पार्ट निकालना है, तब दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई क्या होगी ये आपको बतानी है। तो अब आप बताइए ए सी कितनी है, तो आप कहेंगे सर ए सी आपकी 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1.25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 थी 75 और 3 एकम 3, तो 3 कितना हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर, ये आपका ए सी निकल कर आ गया। और बी सी आपको निकालना है, तो बी सी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1.25, तो 1.25 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 5 से, तो 25 पंजे 125 होता है और 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा आपका 625, 6.25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो दो पार्ट थे, दोनों परिणामी रेखाओं की लंबाई कितनी आ गई, तो 6.25 और 3.75, किस ऑप्शन में दिया है, तो 6.25 और 3.75 ऑप्शन डी क्या है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक रेखा 10 सेंटीमीटर लंबी थी, 3:5 के अनुपात में उसको बांट रहे थे, यानी कि अब आप डायरेक्ट कैसे करेंगे, 8/10 के 1/1.25 के, तो आप 3 बराबर निकाल देंगे और 5 बराबर निकाल देंगे, 3 बराबर 3.75 और 5 बराबर 6.25, तो इस प्रकार आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर होगी बात, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है, मतलब दो संख्याओं का आप योग करते हैं तो वो पहली संख्या का कितना है, 5/2 है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपको पहली संख्या पता हो जाएगी और दूसरी संख्या पता हो जाएगी, तब आप बता सकते हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो दो तरीके इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखिए पहला तरीका जो आपके दिमाग में आ रहा है वो हम बता देते हैं। तो आप इसकी फर्स्ट मेथड देख लीजिए कि किस तरीके से करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप पहले तो करेंगे, इन्होंने बोला कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है। तो चलिए हमने मान ली पहली संख्या और दूसरी संख्या,
पहली संख्या x मान ली, दूसरी संख्या y मान ली, तो दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस y का योग पहली संख्या का कितना है, 5/2 है। तो पहली संख्या का 5/2 कर दिया। अब यहाँ से अगर हम x को इस तरफ ले जाएं तो y बराबर हो जाएगा 5x/2 माइनस x, यहाँ पर एक एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, 2 मानकर, तो ये 2x, 5x में से 2x जाएगा, यहाँ पर 5x माइनस कितना हो जाएगा 2x, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर 2y, यहाँ y का मल्टी 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बराबर में कितना 3x, तो x अनुपात y निकाल लीजिए, x अनुपात y निकाल लीजिए, तो x के बटे में y गया तो 2 के बटे में क्या जाएगा, 3 जाएगा, 2 के बटे में क्या जाएगा, 3 जाएगा। तो पहली संख्या कितनी हो गई, आप कहेंगे 2, और दूसरी संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 3। तो हमारे पास दोनों संख्याएं आ गई, पहली संख्या 2 है तो दूसरी संख्या कितनी है, 3 है। अब ये पूछ रहे हैं कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि पहली संख्या कितनी है, 2, दूसरी संख्या कितनी है, 3, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका हो जाएगा 200/3। तो 3 से भाग जब आप देंगे, 3×18 दो बचेगा, 3×18 2/3, यानी कि 66 सही 2/3 प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 66 सही 2/3 प्रतिशत है, किस ऑप्शन में दिया है 66 सही 2/3 प्रतिशत, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी। तो इस प्रकार ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन ये आपका ट्रेडिशनली अप्रोच है। अगर हम इसको सेकंड मेथड से बात करें कि इस क्वेश्चन को यदि आप दूसरी मेथड लगाना चाहें, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे सेकंड मेथड, तो देखिए यहाँ पर सेकंड मेथड की अगर बात करें तो दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है। ध्यान रखना इस चीज़ को हमेशा कि इन्होंने बोला है कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है। तो जब फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है ना, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो हमारे पास फ्रैक्शन यानी कि भिन्न क्या दी है, 5/2, और ये बोल क्या रहे हैं कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 5/2 है। तो तुलना किससे कर रहे हैं, ये दो संख्याओं के योग की तुलना पहली संख्या से कर रहे हैं। तो जिस संख्या से तुलना की जाती है, हमने आपको इतनी बार बताया, वो क्या होती है, हमेशा डिनोमिनेटर होती है। जो आपको भिन्न दिया जाता है यानी कि जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, उसका जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, वो हमेशा आपका तुलना जिससे कर रहे हैं उसकी वैल्यू होती है। तो दो संख्याओं की योग की तुलना यहाँ पर पहली संख्या से कर रहे हैं, तो पहली संख्या कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 2। अगर आपकी पहली संख्या 2 हो गई तो आपको 5 क्या है, तो आप बोल रहे हैं कि दो संख्याओं का योग है, यानी कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग है। तो अगर पहली संख्या 1 है और पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 5 है, तो दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे दूसरी संख्या आ जाएगी 5 में से 2 माइनस कर दीजिए 3, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 3। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितनी है 2 और दूसरी संख्या कितनी है 3 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर दीजिए प्रतिशत में बदलने के लिए, तो ये आपका कितना हो गया 200 और बटे में कितना 3, तो आपका आंसर वही आना है 66 सही 2/3 प्रतिशत। क्लियर होगी बात, अगर आप इस मेथड से करेंगे तो आपका थोड़ा सा समय बच जाएगा और आपका थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट की तरफ भी ध्यान बढ़ेगा कि भाई इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्लियर होगी बात, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 16% 192 के बराबर है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 16% 192 के बराबर है। बहुत तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए पहला तरीका तो आपका सिंपल ये है कि मान लीजिए वो संख्या कितनी है, 100 है। अब 100 का अगर आप 16% निकालेंगे तो आप कहेंगे 100 का 16% तो 16 होता है, और उन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 16% 192 यानी कि 192 के बराबर है, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 192 के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 192/16 के बराबर। 16 एकम 16, 3 बचेगा 16 × 2 = 32, एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 12 के बराबर। कब, जब हमने उस संख्या को 100 माना और 100 का 16%, तो आप कहेंगे सर 16 होता है। इन्होंने बोला कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका 16% 192 के बराबर है, तो हमने कहा वो संख्या 100 है और उसका 16% 100 होगा, सॉरी उसका 16% 16 होगा, और 16% किसके बराबर है, 192 के बराबर इन्होंने क्वेश्चन में बोला है। तो एक यूनिट की वैल्यू 12 के बराबर, तो हमने संख्या कितनी मानी, 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई,
1200। तो आपका आंसर कितना निकल कर आ गया, 1200। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि किसी संख्या का 16% किसके बराबर है, 192 के बराबर। तो 1% की वैल्यू किसके बराबर आएगी, तो आप कहेंगे सर 12 के बराबर। तो वो संख्या अपने आप में 100% होगी, तो 100% की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 1200 के बराबर। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करें, तो ये आपका सेकंड मेथड हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी मेथड पे आप जा सकते हैं, इतनी मेथड की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, क्योंकि समय उतना ही लगना है किसी भी मेथड से आप करें। अब थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 16% को हम लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म में। क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे पते में 100 आएगा, 16 बटे कितना करोगे, 100 करोगे, तो 4 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, यानी कि हम कहेंगे कि वो संख्या कितनी है, 4 है, उसका 16% वो संख्या सॉरी कितनी है, 25 है, 25 का 16% कितना होता है, 4 होता है। तो हम कहेंगे कि 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दी है, तो 192 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे 4 चौके 16, 3 बचेगा 4 अट्ठे 32, तो 25 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि आपने संख्या इस बार कितनी मानी है, 25। 25 अट्ठे 200 की 0 हासिल में 20, 25 चौके 100 और 20 कितना हो जाएगा, तो 120, तो 1200 आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात, किस ऑप्शन पे टिक कर देंगे आप, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन ए जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर जो हमारे 10 क्वेश्चन है उनका समापन हो गया। अब हम आपको बात करना चाहेंगे अपने ऑफिशियल ऐप स्टडी अड्डा के बारे में। तो यदि ये ऐप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो इसको जल्द से जल्द क्या करें आप, डाउनलोड कर लें। इस ऐप को क्या कर लें आप, डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आपको स्टडी अड्डा टाइप करना है, वहाँ पर आपको इस टाइप का लोगो देखेगा, आप इस ऐप को तुरंत डाउनलोड करें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा और ये आपके बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा ऐप। इसमें आपको वीडियो लेक्चर, सॉल्ट पेपर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस ऐप में जितने भी आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा या आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, वो सारे के सारे बिल्कुल A to Z, यानी कि बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक की तैयारी के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो यदि आप बिल्कुल कमज़ोर हैं मैथमेटिक्स या किसी अदर सब्जेक्ट में, तो भी आपके लिए कामगार है। और यदि आपका थोड़ा बहुत बेस अच्छा है, तो आप स्टार्टिंग के कुछ वीडियो ना देखकर बाद वाले वीडियो देखें, तो आपको अच्छे क्वेश्चनों का एक कलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो इस ऐप की फीचर्स क्या क्या हैं, क्या क्या खासियत है, आपको बता दें। इसमें आपको सॉल्ट पेपर, वीडियो लेक्चर, स्टडी पैकेज, ऑनलाइन टेस्ट, सैम्पल पेपर्स, प्रश्न बैंक, NCERT कॉर्नर, ओलंपियाड और नोट्स, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो जल्दी करें, देर ना करें, नहीं तो फिर कहते हैं ना कि देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए। चलिए, तो चलिए यहाँ पर समाप्त करते हैं आज के वीडियो को, आज की क्लास को। आज की क्लास में हमने शानदार 10 क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर चले थे, जो कि आपके लास्ट ईयर के पेपर में, यानी कि 21 अगस्त 2017 के इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर था। तो हमने टोटल इसके कितने 30 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कर लिया है इवनिंग शिफ्ट वाले। इससे पहले हम ऑलरेडी 5 पेपरों का सॉल्यूशन कर चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देखें, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।